गाइस आ चुके हैं अब हम न्यूयॉर्क होटल। वो रहा पीछे देखो गाइस, ये रहा न्यूयॉर्क होटल। और यहाँ पे एक मस्त सी चीज खाने वाले हैं। यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। सो ये गाइस क्या है? ये बिग एप्पल रोलर कोस्टर। सो गाइस ट्राई करते हैं आज, अगर चल रही होगी तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चल रही है और बहुत ज्यादा हवा के कारण ना यहाँ पे एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, जैसे जिप लाइन आज भी बंद है। तो ट्राई देखते हैं, ये अगर ऑन होगी, चल रही होगी तो हम जरूर करेंगे। मेरे को लग रहा है नॉर्थ साइड पे जो लोग होते हैं वो आते ही नहीं है, यहाँ तक आते हैं वहीं पे साउथ में ही घूमते घूमते लोगों की बैंड बच जाती है। पूरी लाइटिंग वाला होता है न्यूयॉर्क में, वैसे ही ये इसका बना रखा है, मस्त लाइटिंग वगैरह कर रखी है। अंदर देखते इसमें ऐसे फेक स्काई ऊपर नहीं बना रखा, बट ऊपर क्या है कुछ ब्लैक कलर की रूफिंग है, ऊपर ब्लैक कलर की रूफिंग कर रखी है। इनमें पूरा एक पूरा डिस्को वाली फीलिंग आ रही है पूरे होटल में नीचे। न्यूयॉर्क में होती है ना बिल्डिंग्स वगैरह, शॉप्स वगैरह, उस टाइप से सब बना रहे हैं। मंग पड़ा है यार, प्यारी हवा ने ना सारा काम खराब कर दिया, हवा के चक्कर में ये भी बंद पड़ा है। अपनी किस्मत ही फूटी है, क्या करे, बंद पड़ा है ये। आज भी हवा काफ़ी तेज है तो कोस्टर भी बंद कर रखा है। एक्चुअली पंगा क्या है ना, हमने एक 3 अट्रैक्शंस का एक पास ले रखा था, तो 2 अट्रैक्शन हम कर चुके हैं, एक अट्रैक्शन रह रही थी तो वो यही करने वाले थे, तो पास खराब जाएगा हमारा। चलो चले वापस फिर। बाकी और इस होटल में कुछ और तो देखने वाला है नहीं, बस यही था एक मेन रोलर कोस्टर, तो देखते क्या करेंगे। हमारा ना पोपट हुआ है ना, ना तो जिप लाइन हुई और कोस्टर भी बंद है हाई विंड की वजह से, तो अब हम खाना खाने आ गए। हम नहीं, तुम तो यही पिज्जा खा रही है, मैं आज ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं खाऊंगा। ये एक दिन की बात है और खा लो, कल तुम्हें घर का ही खाना मिलेगा, कल तुम्हें नहीं मिलेगा ये सब। क्या कहना चाहोगे रोलर कोस्टर के बारे में? यार मेरी किस्मत खराब है, रोलर कोस्टर सिंगापुर गए थे मैं, तब भी रोलर कोस्टर नहीं कर पाई थी, तब भी वेदर कंडीशन की वजह से वो बंद था और अभी भी ऐसी। बड़ा हर चीज का ये शॉप है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, भाई साहब देख रहे हो ऊपर तक भी है, चॉकलेट चॉकलेट है भाई अंदर, भाई सब चॉकलेट ही चॉकलेट है चारों तरफ, देख चॉकलेट की स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना रखी है भाई। चॉकलेट की स्ट्रॉबेरी यार ये ले सकते हैं। किस कुकी डो है, किस कुकी डो? अच्छा हाँ ये सारी कुकीज हैं, ये पसंद नहीं है। नहीं मतलब इसके अंदर भी कैसीनो है, ये चॉकलेट की शॉप थी, चॉकलेट की शॉप के अंदर भी कैसीनो है भाई। और स्वागत है आपका चॉकलेट की दुनिया में गाइस, जहां आपको चारों तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट मिलेगी। तो ऐसे अपना बस टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर शॉप में जाके, तभी हो अभी फिलहाल के लिए कुछ करने के लिए नहीं है, जो है वो काफी दूर है, तो अभी ये चॉकलेट वाली शॉप में चले गए थे और अब जाते हैं M&M की शॉप में। M&M का भी यहाँ पे काफी बड़ा शोरूम है।
अगर तुम्हें अपने नाम का मग मिल गया तुम्हारा हो जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट सही है सोच रही हूँ लेने के लिए ले लो क्या बोलते हो ले लो थोड़ी थोड़ी खाओ लो खाओ कैन यू डाउट तो ये मिल्क चॉकलेट का है यहाँ से मिल्क चॉकलेट है और वहाँ से वो पीनट है पीछे है ना वो पीनट्स है मिक्स है हाँ और वो मिक्स है कौन लोग जी लोगे कौन सा कलर ले लो टेम्प्ररी आउट ऑफ ऑर्डर है बाकी देखो पीनट्स है इसमें हाँ इसमें पीनट्स होंगे अब लेंगे रंग बिरंगे वाले रंग बिरंगे ये भी पीनट के ही है मिल्क होल चॉक व्हाइट चॉकलेट पीनट 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 ये पीनट बटर है कितना हुआ ज्यादा हो गया हाफ से क्या लिया ये M&M एंड गाइस अगर आपको पर्सनलाइज्ड करानी है ना M&M चॉकलेट्स मतलब उनके ऊपर कुछ भी लिखवाना है या फिर अपने तरीके से बनवानी है तो वो तीसरे फ्लोर पे चलो लोग इतने पागल है M&M के लिए उन्होंने सोचा नहीं था भाई देख रहे हो तू अच्छा पर्सनलाइज M&M पे ना ये सब है अगर आपको जैसे कप पर्सनलाइज कराना है या फिर आपको प्लेट जो है वो पर्सनलाइज करानी है प्लेट हो गया ना तो इजी ये करा सकते हो और ये सो गाइस ये थी M&M की शॉप तो काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया हमने इन चक्करों में और अब हो चुका है हमारा डिनर का टाइम क्योंकि कितना बज रहा है साढ़े सात बज रहे हैं तो सोच रहे हैं डिनर करके आ जाते हैं बिकॉज उसके बाद हमारा फिर शो भी स्टार्ट हो जाएगा 9:30 बजे से और वो 10:30 बजे डेढ़ घंटे का शो है 11 बजे 11 बजे खत्म होगा उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा हमें खाने का तो चलते पहले खाना खा के आते हैं इस डिनर करने आज भी हम आए हैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट में आई गेस हमें मैक्सिकन बहुत पसंद आ चुका है तो मैक्सिकन रेस्टोरेंट का नाम क्या है गोंजालेस एंड माइक गोंजालेस तो जाते हैं वहाँ पे खाना खाते हैं और ये न्यूयॉर्क के अंदर ही है लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे भाई साहब पूरी भरी पड़ा है तो क्या खा रहे आज टैकोस नाचोस बुरिता एंचिलाडास क्या खाओगे देखते हैं अभी मेन्यू में क्या स्पेशल है फाइनली हमारा खाना आ चुका है और तुमने फिर से पॉपअप करवा दिया ना अरे मैंने उससे पूछा था कि एक बंदा खा सकता है नहीं खा सकता उसने बोला हाँ खा सकता है मैंने ऑर्डर कर दिया तो ज़्यादा लग रहा है मुझे मैं खा नहीं पाऊँगा बहुत अच्छे क्या मंगाया तुमने ये कुछ तो चिकन का आइटम था और मेरा ये पैसा दिला चुका है डिनर हो चुका है हमारा कंप्लीट और काफ़ी खा लिया यार आज मतलब आज पर तो भूल गया हाँ तो आज ही सोचा था ज़्यादा कुछ जंक नहीं खाएंगे अच्छा खासा खाएंगे सैलड वगैरह खाएंगे क्योंकि पेट भी निकल रहा है और जिम भी नहीं हो पा रहा और मगर आज ही रात को हमने इतना खा लिया ना यार अरे भाई एक तो मैक्सिकन पैदल चल के जाए ट्रैम डाले ऊपर से जो मैक्सिकन फूड होता है वो काफ़ी टेस्ट में काफ़ी हद तक इंडियन फूड जैसा ही लगता है तो उसमें भी छोले राजमा वगैरह मैदा हाँ मैदा बहुत यूज़ करते हैं सब चलते हैं हम अपने शो के लोकेशन पे हाँ। तो जो हम शो देखने जा रहे हैं वो है डेविड कॉपरफील्ड का मैजिक शो मैजिक शो मतलब यहाँ पे टॉप रेटेड मैजिक शोज में आता है वो अच्छा हाँ और वैसे यहाँ पे गाइस तीन टाइप्स के शोज होते हैं एक हमने देखा था मिस्टेक मतलब आर्टिस्टिक टाइप और दूसरा हम आज देखने जा रहे हैं मैजिक शो और तीसरा टाइप का होता है यहाँ पे एडल्ट शोज भी होते हैं अगर आपको देखने हो तो देख सकते हो भी ऑप्शन है हाँ बाकी अब चलते हैं अपने शो के लोकेशन पे तो वो जो शो है वो हो रहा है MGM होटल के अंदर हाँ, तो MGM ग्रैंड में मतलब MGM के भी काफी सारे हैं यहाँ पे हाँ, इसी बहाने में आपको MGM की भी लॉबी और कैसीनो दिखाते हैं स्वागत है आपका MGM होटल में और MGM ग्रैंड होटल सॉरी MGM ग्रैंड होटल में एंड गाइस एक फैक्ट की बात
ये MGM ग्रैंड होटल का जो कैसीनो है वो सेकंड लार्जेस्ट कैसीनो है लास वेगास स्ट्रिप पे, और फर्स्ट लार्जेस्ट आपने देख ही लिया विन का, तो देखिए उसकी झलक। गाइस फाइनली शो देख के, मैजिक शो देख के हम वापस आ चुके हैं अपने रूम पे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था शो का, है ना। काफ़ी यूनिक था, मतलब वो ही घिसा पीटा आपका वैसा वाला मैजिक नहीं था कि कार ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी यूनिक टाइप का मैजिक था। स्पेसशिप आ गई है ना, और पूरे एकदम से आपके फेस के पास में आ जाएगी, आप सोचोगे पता नहीं कौन से आ गए, कहां से आ गए, मतलब वो आ गई, मतलब ऐसे काफी बड़े बड़े इल्यूजंस थे, तो वो ठीक था, काफी अलग था। बाकी वन टाइम वॉच के लिए ठीक है, मतलब जैसी उसकी हाइप थी उसके हिसाब से मुझे इतना पसंद नहीं आया वो, मे बी आपको पसंद आए। एंड सेकंड ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो मैजिक शो के लिए, एक क्रिस एंजल करके होता है, तो उसकी भी काफी अच्छी रेटिंग है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। काफी लेट हो चुका है, 12 बज चुके हैं और हमें जल्दी से जाके सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बिकॉज चेकआउट करना है और ट्रैवल करना है, तो इसीलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, एंड इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।